कैसे हो? चलो, लास्ट टाइम अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था और पैरेलल उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल पढ़े थे। आज अपने पास सही लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर किस प्रकार से होती है, उसका फॉर्मूला कैसे होता है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अपन टू कंडक्टर्स करेंगे और उसमें एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, तो अपन अभी स्टार्ट करेंगे एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी को किस प्रकार से स्टोर किया जाता है समझना। अच्छा, आज जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी किस प्रकार से स्टोरेज होगी कैपेसिटर में? ये अपना एक कैपेसिटर है, P1 और P2 है। ये इस प्रकार से तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लास्ट टाइम मैंने आपको काफी टाइम बताया है और ये डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव सिग्मा हो गया और ये हो गया नेगेटिव सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? जब भी आप इसको चार्ज सप्लाई करते हो तो चार्ज है इसमें जो वर्क डन होता है वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो किस प्रकार से होगा बताता हूँ आपको। आप किसी भी कैपेसिटर को चार्ज दोगे, टू चार्ज एनी कैपेसिटर, आप किसी भी कैपेसिटर को आप चार्ज दे रहे हो तो वर्क डन हैज टू बी डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जो भी आप इसको चार्ज सप्लाई करोगे, प्लस क्यू चार्ज आप सप्लाई करोगे बाय इंडक्शन प्रोसेस माइनस क्यू हो गया, तो वो एनर्जी स्टोरेज में किस प्रकार से होगा इसमें मोटी मोटी बातें बता देता हूँ आपको। आप इसको जब चार्ज सप्लाई करते हो तो चार्ज है वो इमिडिएटली इंक्रीज नहीं होता है इसमें, बट जो चेंज होता है चार्ज में वो होता है जीरो टू मैक्सिमम। और जीरो टू मैक्सिमम जो होता है तो पोटेंशियल भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, क्यू इंक्रीज होगा तो भी इंक्रीज होगा, तो क्यू में जो इंक्रीज इंक्रीमेंट है वो क्या है, जीरो टू मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल में भी क्या हो जाएगा, जीरो टू मैक्सिमम हो जाएगा। एट स्पॉन्टेनियस टाइम एट टी इक्वल टू जीरो आपने चार्ज सपोज कर लो कि इसको स्मॉल चार्ज आपने इसको सप्लाई किया डी क्यू, तो पोटेंशियल इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी डे से पढ़ने ले लिया तो वर्क हैज टू बी डन। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, उससे निकालेंगे अपन। फिर जो वर्क डन है वो किस में से हो जाएगा, पोटेंशियल में हो जाएगा। चार्ज कहाँ से सप्लाई हो रहा है, जीरो टू मैक्सिमम। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनिए, किस प्रकार से एनर्जी स्टोरेड होगी कैपेसिटर में? आपने सप्लाई क्या किया है, पहले चार्ज को जीरो टू क्यू, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो टू वी मैक्सिमम, यानी कि जीरो टू मैक्सिमम होगा। एक साथ इंक्रीमेंट नहीं होता इनमें, एक साथ इंक्रीमेंट भी नहीं होता है, बट क्या होता है जीरो टू मैक्सिमम इसमें सप्लाई होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास रिजल्ट आते हैं। एट इंस्टेंटेनियस टाइम मान लीजिए, एट इनिशियली टाइम वेन चार्ज इज टू बी गिवन डी क्यू देन पोटेंशियल इज वी डैश, देन वर्क हैज टू बी डन डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश डी। कहाँ से आता है ये,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, V इक्वल टू W अपॉन Q जीरो होती है। या पढ़ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या था, तो W की जगह dW आ गया, सवाल निकालेंगे पहले Q की जगह क्या आ गया, जीरो की जगह dQ आ गया, पोटेंशियल की जगह V डैश आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क हैज टू बी डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इक्वल टू जीरो टू कैपिटल क्यू डी। मैंने पहले भी आपको काफी टाइम बताया था, 10th में मैंने बताया था आपको, 12th में भी स्टार्ट में बताया था, स्मॉल को जब आप कंप्लीट में लेके चलते हो तो बाय इंटीग्रेशन होता है उसका। मैंने क्या बताया था, जो चार्ज है वो क्या होता है, जीरो टू मैक्सिमम हो रहा है, इसमें एक साथ इंक्रीमेंट नहीं होता है बल्कि, बट क्या होता है, जीरो टू मैक्सिमम इसमें रिजल्ट आते हैं। तो पोटेंशियल भी उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जीरो टू वी मैक्सिमम। एट स्पॉन्टेनियस टाइम ले लिया अपने, मान लो एट टाइम टी इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश डी क्यू हो जाएगी, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, आपने इतना चार्ज लिया है, डी क्यू सप्लाई दिया, तो पोटेंशियल इसके अकॉर्डिंग होता है वी डैश होता है। तो अपन ने ये रिजल्ट यहाँ से फॉर्मूले से यहाँ टच कर दिया इसको, उसके बाद में टोटल निकालोगे तो जीरो टू मैक्सिमम हो जाएगा। इस वैल्यू को इसमें पुट अप करना है सेकंड में, फर्स्ट वाले वैल्यू को किसमें पुट अप करोगे आप, सेकंड वाले में करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा देखो। सेकंड को जब आप फर्स्ट में पुट अप करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, सुनिए ध्यान से, यू इक्वल टू जीरो टू क्यू वी डैश डी क्यू। अब आपको पता होना चाहिए, We know that Q equal to क्या होता है, सीलिंग होता है। तो इस चार्ज के अकॉर्डिंग अपने पास आपने कितना लिया है, V' लिया है, तो V' equal to कितना हो गया, Q by C। इस वैल्यू को कहाँ पुट अप करना है, इसमें पुट अप करना है। तो इसमें पुट अप करोगे तो क्या होगा, U equal to 0 to Q Q by C dQ हो गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन मैंने बताया था x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो u इक्वल टू 1 बाय c को बाहर निकाल लिया, 0 टू q 2 की पावर 1 dq हो गया। यहाँ x की पावर n dx है तो x की पावर n dx का मतलब क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 बाई 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई सी क्यू की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 टू कैपिटल क्यू 1 बाई 2 क्यू, स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू रखोगे तो क्यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई 2 क्यू सी हो गया। यानी कि अपने पास पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई वो कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। किसकी फॉर्म में है, चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में। अगर आपको वोल्टेज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में चाहिए तो कैसे करोगे, ये बार बोर्ड एग्जाम में आया था इसका न्यूमेरिकल, किसी आते रहते हैं अमूमन, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और टू कंडक्टर्स अपन करेंगे, उसमें भी रिजल्ट आता है, ध्यान से सुनिए। U इक्वल टू इफ कैपेसिटर ऑफ ए प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट C एंड पोटेंशियल इज वी, देन Q इक्वल टू क्या होता है जी, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी Q को चेंज करना है इसको, इस वैल्यू को इसमें पुट अप कर दो क्यू की जगह, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी निकल के। तो U इक्वल टू 1 बाय 2 C, ये हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर, स्क्वायर ना तो स्क्वायर हो गया, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, यू इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी आ गई, ये एनर्जी आपको आगे जरूरत पड़ेगी उसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में, उसमें अपन काम में लेंगे इसको, एनर्जी लूज कैसे होता है। लेआउट में कोलिजन पढ़ी थी अपन ने, मास इनटू वेलोसिटी के रूप में, बिफोर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स आफ्टर
कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स अपन ने पढ़ा था, तो उसमें आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी निकल के आई थी वो किस प्रकार से आई थी, वैसे यहाँ पे पोटेंशियल अपन फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे आगे चल के बताऊँ हम आपको। तो आपकी ये आ गई एनर्जी। अब इसमें डेंसिटी अपन ऐसे भी कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी किस प्रकार से फाइंड आउट होती है, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेंसिटी कैसे निकल के आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से ध्यान से सुनो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेंसिटी किस प्रकार से आएगी नीचे देखो ध्यान से, डेंसिटी बता रहा हूं। कई बार क्वेश्चन आता है इफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी देन एनर्जी यू इक्वल टू 1/2 सीवी स्क्वायर, ये आपकी एनर्जी होगी। और अपन जानते हैं सी इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, ये अपन ने पढ़ा था। और ये भी अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो वी बाय डी के फॉर्म में आता, तो वी इक्वल टू होता है ए इंटू डी। इन दोनों वैल्यू को अपने को क्या करना है इसमें रखना है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिजल्ट आया था, कैपेसिटर को अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। इसमें जो डेंसिटी किस प्रकार से निकल के आती है उसके बारे में मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसमें प्रूव दैट डेंसिटी यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर, तो उसके फॉर्म में मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे यू इक्वल टू 1/2 सी की जगह हो गया ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, वी की जगह अपने पास रिजल्ट आ गया ई इंटू डी का होल स्क्वायर, देन यू इक्वल टू 1/2 ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से डी कैंसिल हो गया, यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया। और एरिया इंटू डिस्टेंस जो होता है उसको अपन वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो अपने पास जो रिजल्ट निकल के आता है डेंसिटी के लिए वो आ जाएगा स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या हो गया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए एनर्जी अपने पास निकल के आ गई। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी डेंसिटी आप किस प्रकार से फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है ना, ये परमिटिविटी ऑफ एयर इन वैक्यूम मीडियम हो जाएगा, कैपिटल ई क्या हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने आपको बताई थी। यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टू चार्जेस, टू कंडक्टिंग चार्जेस और एनर्जी रिलीज का, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आता है, तो उसको अपन कैसे करेंगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे चलता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किस प्रकार से अपन लेंगे, दो कंडक्टर ले लेंगे अपन, उन कंडक्टर को सेपरेट रख लेंगे, फिर किसी भी कंडक्टिंग वायर से उसको क्या करेंगे अपन कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद में यानी कि आफ्टर कनेक्टिंग क्या हो जाएगा, रिजल्ट कैसे आएगा, उसमें एनर्जी यूज कैसे होता है, किस प्रकार से चार्ज का रेशियो आता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे चलता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए अपन करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अपन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का,
redistribution of charges and energy use of two conducting sphere. ये रिजल्ट आता है एनर्जी यूज का. इसको आप ऐसे भी कह सकते हो डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर. ये प्रूफ करवाता आपसे, ये क्वेश्चन प्रूफ करवाता है. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कनेक्टिंग करने से पहले और उसके बाद में कब तक रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा. देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है. अपन ने दो स्फीयर ले लिए, दो कंडक्टिंग स्फीयर ले लिए, उनको अपने सेपरेट सेपरेट रख लिया पहले. उसके बाद पहले कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर अपन ने चार्ज सप्लाई कर दिया, उसके कैपेसिटेंस आ गया, पोटेंशियल आ गया, सेकेंड का भी हो गया. इसी प्रकार से रिजल्ट आएगा. आफ्टर अपन क्या करेंगे, उसको कोई भी कंडक्टिंग वायर से उसको क्या कर दिया अपन ने कनेक्ट कर दिया. जैसे कंडक्टिंग वायर से अपन कनेक्ट करेंगे तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड की ओर क्या करेगा, फ्लो करेगा. कब तक करेगा जब तक कि पोटेंशियल बिकम्स क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए इक्वल, तब तक वो फ्लो चलता ही रहेगा. बताऊंगा आपको, देखिए कैसे किस प्रकार से अपन करेंगे इस टॉपिक को. बहुत अच्छा टॉपिक है. क्या कर लिया अपन ने, दो कंडक्टिंग वायर ले लिए, सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर ले लिए. क्या ले लिए, कंडक्टिंग स्फीयर ले लिए. अपने पास एक ए हो गया, दूसरा क्या हो गया इसमें बी हो गया. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे. इसको आपने चार्ज सप्लाई किया, ये चार्ज सप्लाई किया, तो ये चार्ज सप्लाई ले लिया आपने क्यू वन, इसका कैपेसिटेंस हो गया सी वन, पोटेंशियल ले लिया आपने वी वन. ये कंडक्टिंग स्फीयर सेकंड है, इसको आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो किस प्रकार से किया है, उसको नाम दे दिया आपने क्यू टू, और इसको कैपेसिटेंस दे दिया सी टू, और पोटेंशियल दे दिया आपने इसको वी टू. ये टू कंडक्टिंग स्फीयर अपने पास है, एक पहला ए है, दूसरा कौन सा बी है. पहले कंडक्टिंग स्फीयर को आपने चार्ज सप्लाई दिया वो कितना है, क्यू वन है. सेकंड को आपने दिया वो कितना है, क्यू टू है. पहले का कैपेसिटेंस कितना है, सी वन. दूसरे का कैपेसिटेंस कितना है, सी टू है. पहले का पोटेंशियल कितना है, V1 है. सेकंड का पोटेंशियल कितना है, V2 है. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये बात आती है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किस प्रकार से होगा. तो पहले अपन बात करते हैं विदाउट कनेक्टिंग की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2. तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, C1 V1 प्लस C2 V2. इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ध्यान सुनिए, आपके सामने बोर्ड पे है. अपने क्या किया अभी, इनको कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट नहीं किया है. कनेक्ट करने से पहले का जो फिनोमेना है वो आपके पास टोटल चार्ज हो गया दोनों का, हो गया सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू. अब आफ्टर अपन क्या करेंगे, इसको अपने क्या किया है, इसको किससे कनेक्ट करोगे आप, एक वायर से कनेक्ट कर दिया आपने, ये वायर से कनेक्ट कर दिया आपने. आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर कनेक्टिंग After connecting of a conducting wire से आपने इसको connect कर दिया, तो flow of charge है, then flow of charge क्या हो जाएगा,
हाई टू लो हो जाएगा, और कब रहेगा, टिल व्हेन पोटेंशियल बिकम्स सेट। कब तक होगा, जब तक ही क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होगा साथ इसका सेम पोटेंशियल होगा, यहां तक ये फ्लो रहेगा हाई लेवल टू लो लेवल तक ये फ्लो रहेगा। कब तक, जब तक कि पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता इसका इक्वल नहीं हो जाता, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, q1 dash equal to c1 v, q1 dash equal to क्या हो जाएगा c1 v, और q2 dash equal to हो जाएगा c2 v, c2 v। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया q1 dash equal to q1 c1 upon c2। पहला रिजल्ट तो ये निकल गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का हो गया q1 dash upon q2 dash equal to c1 upon c2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज q डैश इक्वल टू q1 डैश प्लस q2 डैश c1v प्लस c2v हो जाएगा, बीच में कॉमन आ गया तो क्या हो गया c1 प्लस c2। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने सेकंड, और पहले वाले को दे दिया यहां पे फर्स्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्जेस, तो क्या हो जाएगा इसमें ध्यान रखना, जब भी आपने नेग्लिजिबल कनेक्टिव वायरस को कनेक्ट किया है तो जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके सामने है, किस प्रकार से इसमें रिजल्ट आएगा, एनर्जी लूज कैसे आएगा, वो सारी बात बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का जो कंजर्वेशन है उसका जो लॉ होता है, नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो कितना हो जाएगा, बिफोर कनेक्टिंग क्या है क्यू है, आफ्टर कनेक्टिंग क्या है क्यू डैश, इसमें वैल्यू पुट अप करोगे तो सी वन वी वन सी टू वी टू C1 plus C2 into क्या हो जाएगा V हो जाएगा, V equal to हो गया C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। ये अपने पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, सेम पोटेंशियल आ गया जो फ्लो होता है जो चार्ज का। तो मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल विल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो V की वैल्यू वो आ जाएगी C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। अब अपने को क्या करनी है, एनर्जी लूज अपने को फाइंड आउट करना है, एनर्जी लूज कैसे होता है। तो बिफोर कनेक्टिंग ऑफ ए चार्ज कंडक्टर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, आफ्टर कनेक्टिंग क्या हो जाएगा, फिर एनर्जी लूज आ जाएगा। बिफोर कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर, बिफोर कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर एनर्जी विल बी यू इक्वल टू, जस्ट कटना है वन बाई टू सी वी स्क्वायर होता है, तो वन बाई टू सी वन स्क्वायर हो जाएगा यू वन ले लो इसको, प्लस वन बाई टू सी टू वी टू का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दे दिया उसको मैंने थर्ड, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्टिंग ऑफ ए कंडक्टिंग वायर क्या हो जाएगा, बिफोर कंडक्टिंग कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर टू कनेक्टिंग वायर, ठीक है, कैसे भी लोगों को दिक्कत नहीं है। आफ्टर कनेक्टिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर कंडक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स क्या हो जाएगा, यू टू इक्वल टू वन बाई टू सी वन वी स्क्वायर प्लस वन बाई टू सी टू वी स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं वन बाई टू सी वन प्लस सी टू इंटू में वी का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर हो गया फोर। एनर्जी यूज निकालना, इसमें एनर्जी यूज कैसे निकलेगा, यहां पे
U1 है, यहाँ पे U2 है, तो एनर्जी लूज कितना हो जाएगा, एनर्जी लूज डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2, U1 में से U2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा एनर्जी लूज में, तो यहाँ क्या रखोगे, 3 को और 4 को किसमें पुट अप करोगे, 5 में करोगे, तो रिजल्ट कैसे आ जाएगा, पुटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 5 वी गेट इक्वेशन 3 को 4 को किसमें पुट अप करोगे, 5 में करोगे, देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा मैथमेटिकल है, इसको बार बार निकालना पड़ेगा, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वही ध्यान रखनी है अपने, एक तो कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट करेंगे तो उससे पहले का निकाल दो और फिर आफ्टर कंडक्टिंग वायर से निकालो, ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट आएगा, उसको आप क्या कर दो, घटा दो इसको, है ना, वी की वैल्यू इसे पुट अप कर दो, तो रिजल्ट कितना आएगा, देखो जरा यू वन अपने पास है, यू वन यू टू की वैल्यू इसमें क्या कर दो, इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, तो एनर्जी लूज कितना आएगा, देखिए डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 सी वन वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 सी टू वी टू माइनस 1/2 सी वन प्लस सी टू इंटू में क्या हो गया वी स्क्वायर हो गया, और v की जगह वैल्यू पुट अप करोगे तो कितना आएगा, v इक्वल टू वैल्यू कितना है, c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2 है, कोलिजन अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में, उसी को चेंज किया थोड़ा सा, रिजल्ट कितना ही आने वाला है, 1/2 c1v1 स्क्वायर 1/2 c2v2 स्क्वायर माइनस 1/2 c1 प्लस c2 c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2, इन दोनों का होल स्क्वायर है तो ये डबल हो गए, डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 c1v1 स्क्वायर 1/2 c2v2 स्क्वायर माइनस 1/2 c1c2 c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर, एक पावर से पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो 1/2 इसमें सब में कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया c1v1 स्क्वायर c2v2 स्क्वायर माइनस c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। अब इसमें c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो इसको ले लो एलसीएम, तो अपन लिखेंगे डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 इसमें ये c1 प्लस c2 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा c1v1 स्क्वायर c2v2 स्क्वायर इंटू में हो जाएगा c1 प्लस c2 माइनस c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो लास्ट में जो एनर्जी लूज होगा वो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, इसमें वैल्यू रखनी है तो कुछ नहीं करना अपने को, वैल्यू पुट अप करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, देखो डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो c1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है तो माइनस में ले लो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 v1 v2 अपॉन रिजल्ट किया नीचे c1 प्लस c2, ठीक है ना, c1 प्लस c2 इसमें एलसीएम हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे
होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो रिजल्ट क्या आएगा ये सब के देखो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों, C1 C2 इसमें कॉमन आ रहा है, C1 C2 कॉमन ले लिया, नीचे क्या है C1 प्लस C2, यहाँ क्या रह गया V1 स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया V2 स्क्वायर, वहां क्या रह गया 2V1 V2। यह फॉर्मूला कौन सा बन रहा है A-B का होल स्क्वायर C1 प्लस C2, ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये अमूमन 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको अपन एनर्जी लूज बोलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।